पाकिस्तानियों को ना खूब बजाया गया था, तो उन लोगों को इधर ही गाड़ के रखा गया है। जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा। इस वक्त मैं आश्रम में ही हूँ और आज मैं जा रहा हूँ मुक्ति जुद्देर मैत्री पार्क। यहाँ से 30 किलोमीटर सुनने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ से मैं हिचहाइकिंग करते हुए निकलूंगा। पहले तो गांव के बाहर निकलूंगा, वहाँ से फिर हिचहाइकिंग करने का कोशिश करूंगा और पार्क एक्सप्लोर करूंगा। वो पार्क के बारे में मैं बहुत सुन रखा हूँ, आपको रास्ते में बताता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं आश्रम में हूँ और गुरु जी का आशीर्वाद लेके यहाँ से फिर रवाना होता हूँ पार्क के लिए। आश्रम में गुरुजी का आशीर्वाद ले लिए, अब निकलते पार्क के लिए। ये पार्क के बारे में बहुत सुना हुआ है और आप लोगों को भी बताऊंगा इसका इतिहास। अभी मैं पार्क के लिए रवाना हो गया हूँ। पार्क के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया बांग्लादेश का जब वॉर हो रहा था, तो उस वक्त उस जगह से वॉर लड़ा गया था। अभी भी वॉर का बहुत सारा सामान वहाँ पर रखा हुआ है और वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी है। उस वक्त लोग मर गए उन लोगों का, तो उस पार्क के बारे में तो मैं बहुत सुना हुआ हूँ, आज जाके वो देखता भी हूँ। मैं यहाँ से शॉर्टकट तरीके से जा रहा हूँ और मेरे को यहाँ के रास्ते के बारे में पता नहीं है, तो ये हमारे बड़े भैया है तो ये आ गए साइकिल लेके, मेरे को आगे तक छोड़ देंगे। यहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक पार्क की तरफ और एक कहीं और, वो मुझे नहीं पता। पार्क के बाहर निकला ही था कि ये अभी जो गांव है इसका नाम है गौतम नगर, बेलोनिया गौतम नगर, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रो लोग मेरे साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी का जोश। आप लोगों को ना ये जगह और इन सभी भैया लोगों को एक बार ठीक से दिखाता हूँ। ये यही गांव है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, और ये सभी इस गांव के लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक ब्रो आए हैं जो मेरे को स्कूटी से लेके पार्क तक छोड़ देंगे, तो अभी उस ब्रो के संग चलते हैं पार्क की तरफ। ना ब्रो आया और दो मेरे को आगे तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो ब्रो के संग बैठते हैं स्कूटी में और एक मस्त राइड के साथ पार्क का मजे लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये ब्रो ना पहले कोलकाता में भी रहते थे, तो ब्रो ने काफी ज्यादा मदद किया। इन लोगों के गांव के लोग बहुत अच्छे, सभी लोगों को, गांव के जितने भी सभी लोग हैं, नाम तो मुझे नहीं पता, सिर्फ ब्रो का ही नाम मालूम है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स यार, बहुत अच्छे लोग थे, सबको मिलने के लिए आए, बातें साथे करे थे। और ये प्रसन्नजीत ब्रो भी है जो वहां से स्कूटी लेके आए मेरे को यहाँ तक छोड़ने के लिए, तो थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। और बता दो ये प्रसन्नजीत ब्रो है, क्लास 10 का भी एग्जाम आने वाला है, तो जो भी राजनगर के आसपास रहते हैं ना, तो प्रसन्नजीत ब्रो को कॉन्टेक्ट करना, किसी को भी स्कूल जाना हो, एग्जाम के लिए प्रॉब्लम हो तो भैया को कॉल करो, भैया रेडी है आप लोगों को छोड़ने के लिए। तो दोस्तों ये मेरे पीछे पार्क देख सकते हैं और ये पार्क के अंदर भी मैं एंट्री लूंगा और यहाँ का इंटरेस्टिंग कहानी भी आप लोगों को बताऊंगा। मैं पार्क के अंदर आ गया हूँ, पार्क का नाम आप लोगों को बता दूं, भारत बांग्ला मैत्री उद्यान। ये जब वॉर हुआ था उसके बाद ये पार्क बना और यहाँ से भी काफी मूवमेंट वगैरह हुआ था, तो इसीलिए ये
हम लोग का हिस्ट्री वाली चीजें हैं, तो ये जगह पूरा एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ का ये ब्यूटीफुल नजारा, पार्क के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पार्क बहुत बड़ा है, घूम घूम के थक जाओगे, ये पार्क खत्म नहीं होगा। अभी मैं किधर जा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, पार्क के अंदर मैं बहुत देर से घूमे जा रहा हूँ, किस तरफ जाना है कैसे जाना है कुछ नहीं पता, लेकिन इस पार्क में मैं सुना हूँ कि कब्रिस्तान भी है। जब वॉर हुआ था तो बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मियों को और पाकिस्तानियों को ना खूब बजाया गया था, तो उन लोगों को इधर ही गाड़ के रखा गया है, सुनने में तो यही आया है। यहीं पर इन लोगों का कबर वगैरह है, पता नहीं ये क्या है, चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं। आप लोगों को बता दूं मैं दोस्तों, ये बंकर है, जब लड़ाई होता था तो इसी बंकर में गोला बारूद छुपा के यहीं से लड़ा जाता था। ये पूरी जगह आने से ना आपको उस वक्त का और वो मंजर याद दिलाता है। ये देखो, ये जो ना ये सारा बंकर है, और मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, ये पूरा बंकर हुआ करता था जहाँ पे हमारे देश की आर्मी भी छुपा हुआ रहता था और यहाँ पे गोला बारूद भी छुपा के रखा गया था, तभी तो पाकिस्तानियों का बड़ा अच्छे से बजाया गया। बहुत सारे पाकिस्तानी और आर्मी वालों को भी पाकिस्तान के यहीं पे गाड़ के रखा गया है। और यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों से मैं सुना भी था कि यहाँ पे तो बहुतों को काट के भी फेंका गया है, वो भी पाकिस्तानियों को। सालों को ना इतने लालची है, कोई काम तो नहीं है। जब देखो दूसरे देश पर नज़र, हाँ कब्जा करना, जमीन चाहिए वो चाहिए, साला जितना मिला उनको भीख में उतने से उन लोगों का हजम नहीं होता ना संभाला जाता है, फिर भी लालच। कुकर्म का सजा तो उन लोगों को यहाँ पे मिला ही है, भविष्य में और भी मिलेगा, और सजा तो हम ही लोग देंगे उन्हें। दोस्तों पता नहीं ना कौन सा पाकिस्तानी होगा, ये देखो इधर ही पे इन लोगों को साला कितने अच्छे तरीके से सुलाया गया है। देखो देखो ये यहाँ पे बंगाली में कुछ लिखा हुआ है, मेरे को तो बंगला पढ़ना आता नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ के कमेंट जरूर करना। ये यहाँ का नज़ारा, और ये देखो यहाँ पे सुला दिया गया। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, जब यहाँ पे वॉर हुआ था तब उस वक्त का ये मंजर और ये नज़ारा, ये चोट लगा हुआ सैनिक जिसका आधा शरीर नहीं है उस वक्त का ये मंजर दिखाते हुए, यहाँ के ग्रामीण लोगों ने भी हिस्सा लिया था इस वॉर में। दोस्तों जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ बोला जाए तो ये एक कब्रिस्तान है और मैं कब्रिस्तान के ऊपर ही खड़ा हूँ। तो उस वक्त का मंजर यहाँ पे दर्शाया गया है, कितनी बहरमी से लोगों को औरतों को मार दिया गया था, ये आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक उस वक्त का ये मंजर हुआ होगा। यहाँ पे भी बंगाली में कुछ लिखा है दोस्तों, आप लोगों को बंगाली पढ़ना आता है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। यहाँ पे एक छोटे से बालक को दर्शाया गया है खाना खाते हुए,
देख के बहुत ही अजीब सा लग रहा है और बहुत ही दुखदायक चीजें पता चल रहा है। माता का दृश्य दर्शाया गया, माता किसी को रोकते हुए। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि माता जी यहाँ पे वॉर लड़ने के लिए या किसी को रुकने के लिए कह रही है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, 1971 में जब वॉर हुआ था, ये पूरा जगह उस वॉर का मंजर है। और आप लोगों को और एक चीज दिखा दूं मैं कि ये देखो, ये वायर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये रास्ता जा रहा है और उस पार भी ना वायर है, वही बांग्लादेश है। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ठीक अभी बांग्लादेश के पास में खड़े हैं और ये जगह वही है जहां से वॉर वगैरह हुआ था। मतलब बहुत सारी जगह से तो हुआ था, उसमें से ये भी एक जगह है और यहीं पे ये कब्रिस्तान वगैरह भी है जो पाकिस्तानियों को मार के इधर पे गाड़ दिया गया है। और ये वहां का ये मंजर दर्शाते हुए, और ठीक ये वायर है, वायर के उस पार बांग्लादेश। मैं बहुत देर से ये पार्क में घूम रहा हूँ, चल चल के मेरा बैंड बज गया है यार। कोई एक अच्छा सा जगह देख के ना अब बैठ जाता हूँ, ये बैग लेके ना अब मेरे से चला नहीं जाता है। थोड़ा बैठते हैं एक अच्छे से जगह देख के। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये उस वक्त का वो मंजर है, वॉर हुआ था 1971 में, उस वक्त लोग जो पलायन कर रहे थे और बांग्लादेश छोड़ के भारत में आ रहे थे, उस समय इंदिरा गांधी ने शरण दिया था इंडियन आर्मी। और ये मंजर वो है जो औरतें पलायन कर रहे थे अपने अपने बच्चों को लेकर, अपने घर गांव छोड़कर। ये जितने ही चित्रकला यहाँ पे दिखाई गई है वो उस वक्त के 1971 वॉर का ये सारा मंजर। उस वक्त जिन लोगों को भी ये झेलना पड़ा होगा उसका कितना ही दुख कष्ट उन लोगों को भोगना पड़ा होगा। इस साले पाकिस्तानियों लोगों का कोई खा के काम होता नहीं है, हराम खोर लोग हैं, जितना भी मिले वो लोगों को कमी है। बहुत ज़्यादा भूख लगा है दोस्तों, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आज मैं इसी को खा के अपना गुजारा करूँगा। ऑलमोस्ट पूरा पार्क में घूम लिया है और घूम के मेरे को आया बड़ा मज़ा। ये पार्क बहुत बड़ा है और यहाँ पे बूढ़े बच्चे और हमारे जैसे यंगस्टर भी, हर एक तरीके के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे झूला वगैरह है और बड़ों के लिए यादगार वाली मेमोरीज। 1971 में जब वॉर हुआ था तो उस वॉर की याद दिलाता है ये पार्क। पार्क के उस तरफ में बहुत सारे मेमोरेबल वाली चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे कब्रिस्तान है और ठीक बाजू में ही ना इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर भी है, बस एक रास्ते का ही फर्क है। पार्क 2017 में बनके कंप्लीट हो गया, इससे पहले यहाँ पे काम चलता रहता था लेकिन पार्क बना नहीं था। 1971 का वॉर के बारे में तो सभी को ही जानते हैं, कैसे पाकिस्तानियों को हम लोगों ने मारा था। तो दोस्तों इस पार्क के बारे में मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है कि जब 1971 वॉर के टाइम पे यहाँ से भी लड़ाई हुई थी और बूढ़े बच्चे सभी कोई मिलजुल के इस वॉर में भाग दिए थे हमारे इंडियन सोल्जर के साथ। तो ये एक मेमोरेबल वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ताज़ा हो जाएगी यादें। यहाँ पे बहुत सारे बंकर भी हैं, हमारे इंडियन आर्मी इस्तेमाल करते थे वॉर के वक्त। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से लेता हूँ रवाना, क्योंकि यहाँ से मेरे को जाना है आश्रम और बाहर गाड़ी वगैरह कोई चल नहीं रहा है, और यहाँ से मैं हिचहाइकिंग करते हुए जाऊँगा। सुनने में आया कि यहाँ से 30 किलोमीटर तक मेरा लोकेशन है। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और अभी यहाँ से रवाना नहीं हुआ तो मैं फिर फंस जाऊँगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, और यूँ ही अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से अच्छी जगह एक्सप्लोर कराने के लिए।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे एक नए सफर में। टाटा बाय बाय। पार्क पूरा एक्सप्लोर करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और वहाँ से मेरे को लिफ्ट दिया एक ब्रो ने, उनका नाम है मणिशंकर। ब्रो से आप लोगों को मिलवाता हूँ, यही वो ब्रो है। एक्चुअली मैं वहाँ से निकल के ना पैदल आ रहा था, फिर ये ब्रो आगे की तरफ निकल गए, फिर मेरे को देखे ना बाइक घुमा के रिटर्न आए, और अभी मेरे को मेरे लोकेशन तक छोड़ दिया। यहाँ से आश्रम बस 1 किलोमीटर की दूरी में ही है। तो थैंक यू सो मच ब्रो यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए।